महाभारत की कहानी। गांधारी का कौन सा श्राप श्री कृष्ण को पड़ गया भारी? ऐसे हुआ था विनाश। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इसके कारण एक और वंश का खात्मा हो गया, वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। अपने पुत्र मोह में गांधारी ने इस न्याय युद्ध को अपने पुत्रों की मृत्यु का एक षड्यंत्र घोषित करते हुए श्री कृष्ण और उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया था। आइए जानते हैं महाभारत की यह कहानी। युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर में आ चुके हैं, तो उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा। सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। दरअसल महाभारत की लड़ाई में कौरवों की हार हुई थी और गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मौत हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर गांधारी क्रोध में आ गईं। इस बीच श्री कृष्ण वहां शोक जताने पहुंचे। आपको बता दें कि श्री कृष्ण गांधारी का बेहद सम्मान करते थे। बेटों के शवों पर विलाप कर रही गांधारी को भगवान श्री कृष्ण के आने का पता चला। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया। गांधारी ने कहा, अगर उनके बेटों के खिलाफ षड्यंत्र न किया जाता तो उनकी मौत न होती, और षड्यंत्र का जिम्मेदार और कोई नहीं, केवल श्री कृष्ण हैं। गांधारी ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्राप को स्वीकार किया और वहां से लौट गए। बाद में गांधारी के श्राप का असर हुआ और भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश हो गया।